क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ कि वो आपके हवासों पे आपकी सोच पर हावी हो गई। आपको उनकी हर बात सच लगती है। ऐसा लगता है आपके आंखों के आगे कोई धुंध, ना आपको मैं दिखाई देती हूँ, ना आपको मेरा दुख दिखाई देता है, ना आपको मेरे बच्चे नजर आते हैं। क्या जादू है उनके पास जो मेरे पास नहीं है? मैं तो कुछ नहीं बुला सकती। इनको जरा बाहर बिठाए, चाय वाय पिलाए, मैं बुलाती हूँ। देखिए ये जो टेंट्स है ना, ये कम पड़ेंगे, ये नहीं बहुत बहुत मुझे लगा कि कोई ऑपोजिशन वाला या वर्कर्स हैं जो इतना शोर मचा रहे हैं। मैं यहाँ किसी से फजूल बातें नहीं करूँगी, सिर्फ शेरों से बात करनी है मुझे। अगर आपको जबर और जबरदस्ती से बच्चों को छीनने का इतना ही शौक था, उनका बाप होने की हैसियत से उनका ख्याल भी रख लिया होता। देखा किस हाल में बच्चे, शेरों से क्यों बात करो, उससे करो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। अरे हम तो तुम्हें झेल रहे हैं, बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है सब कुछ तो है उनके पास। दो दो नौकरानियाँ रखी हुई जो उनका ख्याल रखती हैं। खाना है, पानी है, दूध है, छत है, मैं हूँ, उनका बाप है, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों की माँ रात को भाग जाती है ना, वो बच्चे या तो बर्बाद हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। खबरदार जाओ मेरी लग भी होता आगे नहीं सिखाई सकती। आप तक मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दिया, जहर कराती थी मेरी जिंदगी। लोगों ने अपने आला और ऊंचे स्टेटस की बड़े आला तरीके से जलील किया मुझे, बुजुर्ग किया मुझे, धोखा दिया मुझे, बदनाम किया, और अब मेरे बच्चों को यतीमों की तरह कमरे में फेंका हुआ है। बस करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। हैंड्स भी लगा लो। आपकी क्या? मेरे पास आपने मेरी लगाई भी पता नहीं।